टमाटर और हरी मिर्च की एक ऐसी चटकारेदार चटनी जिसे आप सब्जी की तरह भी खा सकते हैं और अचार और चटनी की तरह भी। ये झटपट बनने वाली एकदम चटाकेदार चटनी दो ही चीजों से बनती है, वो भी कुछ ही मिनटों में। फिर आप चाहे इसे रोटी सब्जी के साथ खाएं या दाल चावल के साथ, ये सभी का टेस्ट एकदम डबल कर देगी। तो देर किस बात की, जल्दी से बनाते एकदम मसालेदार तीखी चटनी। मेरा नाम है कला और खाने की कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चटनी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिए कुछ टमाटर लगभग आधा किलो और कुछ मोटी हरी मिर्च लगभग पाव भर। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पहले से ही धो के रख लिया है। तो सबसे पहले हमारे सारे टमाटर और हरी मिर्च को काट लेंगे। अगर आपने एक बार ये चटनी खा ली तो आप इसे बार बार बनाने वाले हैं। तो इसी तरह हम हमारे सारे टमाटरों को काट लेंगे। अच्छा, ध्यान रहे हमें यहाँ देसी टमाटर ही लेने हैं, आपको लंबे वाले हाईब्रिड टमाटर काम में नहीं लेने। तो अब से आप भी बोरिंग सब्जियों के साथ तो ये चटनी जरूर बनाएंगे, क्योंकि सब्जी के साथ साथ मिनटों में बन जाती है। तो हमारे सारे टमाटर कट गए हैं, इसे अलग निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमारी सारी मिर्ची भी काट लेंगे। अच्छा, यहाँ हमें एक बात का और ध्यान रखना है, हमें यहाँ मोटी मिर्ची लेनी है, क्योंकि बारीक वाली मिर्ची होती है वो ज़्यादा तीखी होती है। तो यहाँ हम मोटी मिर्ची लेंगे, तो आप इसे आराम से खा सकते हैं। सभी मिर्चियों के हम डंठल निकाल लेंगे। तो ये देखिए, सभी डंठल निकल गए हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब सारी मिर्चियों को हम काट लेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने दोनों ही चीज़ों को बराबर काटा है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा बारीक। मैंने दोनों ही चीज़ों को मीडियम साइज के काटे हैं। सर्दियों में हर किसी को खाने के साथ कुछ ना कुछ तीखा चाहिए ही होता है, फिर चाहे अचार हो या चटनी हो। तो अब से आप भी सभी बोरिंग सब्जियों के साथ तो ये चटनी जरूर बनाएंगे, क्योंकि सब्जी के साथ साथ मिनटों में बन जाती है। तो हमारी सारी मिर्चियाँ भी कट गई है, तो इसको अलग निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं इसके बीज निकालने के लिए एक अलग ट्रिक यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको पूरी तरह पानी में भिगो दूंगी और एक चम्मच की मदद से इन सारी मिर्चियों को अलग निकाल लेंगे और फिर हमारे सारे बीज अलग हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह। तो इस तरीके से सारी मिर्चियों को अलग निकाल लेंगे और बीज रहने देंगे। और ये देखिए, इस ट्रिक से सारे बीज ऊपर आ गए। सारी मिर्चियों को अलग निकाल लेंगे और इसको छलनी पर रख देंगे ताकि सारा पानी निकल जाए। अब बस हमें कुछ नहीं करना, गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच राई और सभी चीज़ों के यहाँ तड़कते ही हम डाल देंगे हमारे टमाटर और सभी चीज़ों को यहाँ पे हम अच्छे से मिला लेंगे। और बस यहाँ हमें टमाटरों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस अभी इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से मिला के तुरंत हम डाल देंगे हमारी सारी मिर्चियाँ और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी और इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से मिला देंगे। और इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बीच में एक बार इसे चेक कर लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे और फिर से 1 से 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे।
और ये देखिए मिनटों में हमारी मसालेदार चटनी एकदम तैयार है। और लास्ट में हम डाल देंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और 1.5 चम्मच ही चाट मसाला। ये चाट मसाला ही एकदम चटपटा बनाता है इस चटनी को, तो लास्ट में इसे ज़रूर डालें। और दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब बस हमें कुछ नहीं करना है, 1 से 2 मिनट में ही जैसे ही चटनी सारा तेल छोड़ देगी, बस समझ लेना हमारी चटनी बनके एकदम तैयार है। और ये देखिए चटनी ने सारा तेल छोड़ दिया है, ये देखिए साइड में सारा तेल अलग हो गया है। देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है चटनी। बस अब गैस को कर देंगे बंद और जल्दी से करते हैं इसे सर्व। तो एक बार मेरे तरीके से तो ये चटनी बनाना जरूर बनता है, तो आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, या आप इसे 5 से 7 दिनों के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, जब फिर मन करे आप इसे आराम से खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये झटपट बनने वाली मसालेदार तीखी चटनी, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।